दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट लेवल प्रथम जो 23 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था, उसके उत्तर देखेंगे हम, और वो भी फाइनल आंसर के अनुसार उत्तर देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो पे। और इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास में एक बेल आइकन का निशान जिससे दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल सके। तो चलते हैं प्रश्नों पर। और इस वीडियो में हम मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न देखेंगे। लैंग्वेज के प्रश्न हिंदी संस्कृत के अलग वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में मनोविज्ञान और पर्यावरण के प्रश्न जो लेवल फर्स्ट के साथ साथ लेवल सेकंड और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित होंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न में। खंड पृष्ठ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पहला क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें बच्चा हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण, क्या से बच्चा इसमें बी वाला। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, बार बार संलग्न होने के लिए कह रहा है, इनाम पाने के लिए या सजा से बचने के लिए कह रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? यह बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। अर्थात बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। इसमें डी राइट हो जाएगा दो नंबर में। तीन नंबर, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं, प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं वो 45 घंटे हैं। तीन राइट हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा 45 घंटे। चार नंबर, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो क्या इसमें विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है और वेदता है, अभिसमता इसमें नहीं है, तो इसमें डी वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं पाँच नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं आपको फाइनल आंसर की के अनुसार, फाइनल आंसर की में डी को सही माना, उस सीमा तक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं, तो डी राइट हो जाएगा। छः नंबर, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो इसमें डी को राइट माना, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, डी वाला राइट है इसमें। सात नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, इसमें सी वाला राइट, क्रियात्मक अनुसंधान अर्थात एक शोध है जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। आठ नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, अर्थात बी वाला इसमें राइट होगा, सुविधादाता। नौ नंबर, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है, विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, अर्थात ए नंबर राइट आंसर। दस नंबर, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए, एक तरफ विकास के सिद्धांत का नाम और दूसरी तरफ सिद्धांत का वर्णन, पहला समीप दुराभिमुख दिशा, समीप दुराभिमुख दिशा अर्थात समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर अर्थात शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वर्दी, तो ए में डी वाला राइट हो जाएगा। दूसरा सिर पदाभिमुख दिशा अर्थात सिर से पैरों की ओर, तो दो नंबर में ए हो जाएगा, सिर से पैरों की ओर क्रम, सिर से पैर का क्रम। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और अंतर्व्यक्तिक भिन्नता में सी हो जाएगा, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है, तो इस प्रकार पहले में डी, दूसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में सी, इस प्रकार ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, ग्यारह नंबर, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है ये आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ग्यारह में
ए वाला राइट हो जाएगा। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? असत्य को देखना। 12, यह समझना, ए वाला, यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है ये समझना जरूरी है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। पहला वाला, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। इसका मतलब ए जो है क्या, ए वाला गलत है, तो बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 13 नंबर, रिक्त स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण, परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो इसमें विकास आ जाएगा। विकास बी वाला राइट होगा। विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो बी वाला राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं, बचपन की विशेषता नहीं, तो इसमें बोनस दिया गया है 14 नंबर में, तो बचपन की विशेषता, बचपन में प्राग टोली आयु अर्थात टोली में रहते हैं, अनुकरण करते हैं और सवाल करने की आयु, खिलौना की आयु, तो इसमें एक से अधिक उत्तर मानते हुए बोनस दिया गया इसमें, बोनस, तो 14 नंबर में बोनस दिया गया है। तो चलते हैं आगे। 15 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था या किसने दिया था? तो ये प्रतिदर्श के रूप में चुनाव करना, तो इस शब्द पर ध्यान देना, प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर रहा है, और प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था, तो डी राइट हो जाएगा। 16 नंबर, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि, और प्रक्षेपी विधि में देखना आपकी एक तो TAT, टेट, CAT, गेट, SAT और एक IBT, ये सभी जो विधियां हैं, टेट, टेट, गेट, SAT, IBT, ये सभी विधियां प्रक्षेपी विधियां हैं। ये सभी विधियां कौन सी है? तो प्रक्षेपी विधियां। और कथानक संप्रति परीक्षण है, ये भी टेट है, TAT, ये भी टेट है, तो कथानक संप्रति परीक्षण ये भी प्रक्षेपी विधि है, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या 140 से अधिक होती है। 18 नंबर, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने से यह समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, तो इसमें डी राइट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। 19 नंबर, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? तो मानसिक आयु पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर एम ए बटे वा सी ए इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटे वा वास्तविक आयु इंटू 100, ये होता है IQ अर्थात बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो अब हमारे को देखना मानसिक आयु का सूत्र, इसको हल करेंगे, जैसे कि 75, तो बुद्धि लब्धि कितनी है इनकी? 75 इनकी बुद्धि लब्धि है, 75 बराबर मानसिक आयु, तो मानसिक आयु है ही नहीं है, तो प्रश्न आते थी ना, और उसे नीचे मानसिक आयु बटे वा वास्तविक आयु कितनी है? 16 वर्ष और इंटू 100, इसको आपस हल करेंगे तो इसमें आएगा 75 बराबर 100 बटेवा 16, तो इनको वापस 75 के नीचे एक लगा करके इनको ऐसे गुणा कर देंगे, 75 × 16 बटेवा 100, तो इसको देख लेते हैं, 75 × 16 बटेवा 100, और इसको हल करेंगे तो आएगा 16 × 5 = 80, 16 × 7 = 112, 120, 1200 बटेवा 100, यह आएगा यहाँ पे 1200 बटेवा 100, और 2 0 से 2 0 और ये 12 आ जाएगा, तो मानसिक आयु कितनी है यहाँ पे? मानसिक आयु 12 वर्ष होगी, तो इसमें डी राइट हो जाएगा। 19 में, 20, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटेवा कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, ये विलियम सटर्न और टर्मन दोनों ने दिया था, इसलिए इसमें ए और बी दोनों को सही माना गया है। 21 नंबर, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता
मुख्य तय किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को बढ़ावा देती है विषिप्त विषिप्त भय और चिंता से मुक्ति। 23 नंबर, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो इसमें अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, जिज्ञासा होती है, वार्तालाप प्रियता नहीं होती है, अतिशयोक्ति भी नहीं होती। तो ए और बी, अगर एक और दो अगर बी नंबर इसमें राइट होगा तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 23 में भी। 24 में देखते हैं, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? दो विपरीत इच्छाओं का एक ही समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना वो द्वंद्व कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व। 25 नंबर में है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। किसकी संभावना है? तो मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं कि एक तो ये पढ़ने में ग्रेड बहुत कम है और गणित में बहुत अच्छा है और लेखन में भी अच्छा है। इसका मतलब है कि गणित से संबंधित कोई समस्या नहीं, क्योंकि गणित में अच्छा है तो ये समस्या इनके हो ही नहीं सकती है। और लेखन से संबंधित डिसग्राफिया, लेखन से संबंधित ये लेखन में भी अच्छा है तो लेखन से संबंधित भी नहीं हो सकता है। और डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित, तो पढ़ने वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, तो बहुत कम है तो ये डिसलेक्सिया इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि लिखने इसमें पढ़ने से संबंधित विकृति है डिसलेक्सिया, तो इसमें सी सी राइट हो जाएगा 25 में। चलते हैं 26, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? मतलब सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह स्किनर ने कहा था। 26 में ए राइट हो जाएगा। 27, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? यह सकारात्मक स्थानांतरण है। 27 में भी हो जाएगा। 28, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत जो कहते हैं, और पुनर्बलन पर जोर किसने दिया था? पुनर्बलन पर जोर बी एफ स्किनर ने। एक तो बी एफ स्किनर है और एक सी एल हल है। बी एफ स्किनर और सी एल हल दोनों ने ही पुनर्बलन पर जोर दिया था, और यहाँ पर क्रिया परिषद अनुबंधन सिद्धांत जो है ये बी एफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? बी एफ स्किनर ने दिया था और पुनर्बलन पर जोर दिया था, तो ये ए वाला राइट हो जाएगा। और दूसरा जो दिया था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। यह आप ध्यान रखना, क्रिया परिषद अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर। और सभी सिद्धांतों का एक वीडियो हमने बना रखा, जिसमें 150 लगभग 150 सिद्धांतों का एक वीडियो है। नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना आप। 150 के आसपास उसमें सिद्धांत बता रखे हैं, और उससे बाहर एक भी सिद्धांत नहीं जाएगा। तो 150 सिद्धांत वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। चलते हैं 29 नंबर, निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है वो डी वाला राइट होगा। इसमें मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। 30 नंबर, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, किसने नहीं किया था? बी एस ब्रोम ने नहीं किया था। डी वाला राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों पर, और लैंग्वेज वाले हम बाद में पढ़ेंगे, लैंग्वेज का अलग वीडियो में पढ़ेंगे। खंड 4-5 है, खंड 5 पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण अध्ययन का हम देख लेते हैं। चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन में, रबी की फसल का उदाहरण है, रबी की फसल का उदाहरण अलसी है, मक्का मूंगफली सोयाबीन ये खरीफ की फसलें हैं जबकि अलसी है जो रबी की फसल है। 122 नंबर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगमकर्ता की उपलब्धि
एवं सुधार लाना। 123 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो निष्क्रियता नहीं होती है। 124 नंबर, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? प्राचीन काल में हर कार्य के माध्यम से होता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट वगैरह मोबाइल टेलीफोन ये नहीं थे, तो हर कार्य के माध्यम से प्राचीन काल में संदेशों का संचार होता था, संचार का माध्यम था। 125 नंबर, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण श्रव्य दृश्य, जिसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो टेलीविजन। रेडियो श्रव्य साधन है, टेप रिकॉर्डर भी श्रव्य है, बुलेटिन बोर्ड दृश्य है, तो श्रव्य दृश्य टेलीविजन हो जाएगा। 126, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? फूल डोल का मेला शाहपुरा भिलवाड़ा में लगता है, शाहपुरा भिलवाड़ा में, और ये होली के दूसरे दिन से लगता है, होली के दूसरे दिन से अर्थात क्षेत्र में लगता है, और ये क्षेत्र एकम से पंचमी तक यानी 5 दिन तक चलता है। आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? पिताजी का साला मामा, और मामा की माँ आपके क्या लगेगी? नानी। तो इसमें क्या हो जाएगा? नानी, बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 128 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है? बुध है। और इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ये सूर्य है, सूर्य, और सूर्य के पास में है बुध। सूर्य के पास में कौन सा है? बुध। बुध के पास में शुक्र, बुध के पास में शुक्र, शुक्र के पास में पृथ्वी, और पृथ्वी के पास में मंगल, मंगल के पास में बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद फिर वरुण, ये इनका क्रम है। अर्थात सूर्य के पास में कौन सा ग्रह? तो बुध। बुध के बाद में शुक्र आएगा, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद में अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रमांक है। सूर्य से दूरी के अनुसार है पृथ्वी 30 नंबर का ग्रह, और सूर्य के पास में कौन सा है? तो बुध है। तो 128 में सी राइट हो जाएगा। 129, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, क्या इंगित करता है? इसमें फाइनल आंसर की के अनुसार बोनस दिया गया है, तो 129 में बोनस है। और 130 नंबर, हमारा राष्ट्रीय पंचांग राष्ट्रीय शक है, डी हो जाएगा। 131 नंबर, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी तेजाजी, लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए थे, तो तेजाजी ने ही लाचा गुजरी की गायों को चुराने में मदद की थी, तो तेजाजी है जो इसका संबंध लाचा गुजरी से है। 132 नंबर, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के सही समूह है को चुनिए। सड़क मार्ग यातायात के साधन अर्थात सड़क पर चलने वाले साधन कौन कौन से हैं? बस, ट्रक, रिक्शा, इतना सरल क्वेश्चन पूछा। 133 नंबर, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? प्लेटलेट्स की संख्या कम जो होती है वो डेंगू रोग के कारण होती है। 133 में डी। 134, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। 135, सोनार का दुर्ग कहाँ पर है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, पुराने आए हुए क्वेश्चन पूछे इसमें, इसलिए आगामी परीक्षाओं में भी पुराने क्वेश्चन पढ़कर जाना जरूरी है। तो 136 नंबर में राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? अर्थात वन और वन्य जीवों की रक्षा कौन करते हैं? विश्नोई। तो वन और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जाति कौन सी? विश्नोई, सी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 136 नंबर। 137 नंबर, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। 13 के दिन महावीर जयंती, अर्थात ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 137 में ए। 138, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की जो पुरानी संकल्पना है उसका नाम कुलह है। क्या कुलह? अब देखते हैं 139 नंबर, नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ 2014 में किया गया। 140 नंबर, मंगरमच्छ प्राणी जगत के किस जनवर्ग में आता है? सरीसृप में आता, सरीसृप हो जाएगा बी। 141, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी जोधपुर, जबकि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। जैसलमेर को क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी जैसलमेर।
और इसी में सूर्य नगरी जोधपुर और स्वर्ण नगरी, जैसे स्वर्ण नगरी आ जाए तो जैसलमेर, और एक और है सुवर्ण नगरी आ जाए तो जालौर, सुवर्ण सुवर्ण नगरी आ जाए तो स्वर्ण नगरी में जालौर सही होगा। सूर्य नगरी जोधपुर, स्वर्ण नगरी जैसलमेर, और सुवर्ण सुवर्ण आ जाए तो जालौर। ये भी पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं आगे 142 नंबर। 142 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित करे तथा सही विकल्प का चुनाव करें, तो हार्मोन और दूसरी तरफ कार्य, तो देखते हैं इसमें। पहला वर्धी हार्मोन, वर्धी हार्मोन जो होता है, वर्धी हार्मोन क्या करता है, अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, अंगों में वृद्धि करता है, अर्थात बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। वर्धी हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, और आगे भी इंसुलिन, इंसुलिन जो होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। इस प्रकार एक में बी, दो में डी, एक में बी, दो में डी, तो ये सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी हो जाएगा 142 में सी। 143, खादी के बने वस्त्रों, खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है, विशेष छूट जो दी जाती है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर दी जाती है। 144, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है, सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण ये कम वायु दाब के कारण, 144 में सी हो जाएगा कम वायु दाब। 145, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक, वायु आती है, बी हो जाएगा। 146, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है, रेशम कीट का भोजन जो है शहतूत की पत्तियां। 147 नंबर, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। 148, रेबीज रोग का कारक होता है, रेबीज रोग का कारक जो होता है रेबीज, ये वायरस के द्वारा होता है। आगे 149 नंबर, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, जंतु से प्राप्त रेशा, जंतु से प्राप्त रेशा रेशम, डी वाला राइट हो जाएगा। 150 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है, तो ह्यूमस पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि अगली वीडियो में उस कमी को सुधारा जा सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।